प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूवर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल लोग क्या कहेंगे के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। व्यूवर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मीरब अपने बच्चों और सास के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाती है, मगर बच्चों को ये घर ज़रा भी पसंद नहीं है। राइम तो फिर भी कुछ सब्र करके आया है, मगर दानिया अपनी माँ से कहती है, मुझे तो लगता है जिन लोगों के बाबा नहीं होते वो ऐसे ही छोटे और गंदे घरों में रहते हैं। फिर कुछ वक्त के बाद साथ इनसे मिलने आया तो राहिम बताता है, दानिया बाबा को बहुत मिस करती है, हर वक्त रोती रहती है, मामा भी रोती रहती हैं। ये सुनकर साथ की आंखें नम हो जाती हैं तो राहिम मजीद कहता है, आप मेरे बाबा को वापस ला दें, बस फिर हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन साथ इस बच्चे को कैसे समझाए कि ये तो अब मुमकिन ही नहीं है, एक बार जो इस दुनिया से चला गया सो वो चला गया। इस सब के बाद मीरब अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो अपने बच्चों को पूरे तरीके से समेट सके, उनके लिए सहारा बन सके। वो ग्रोसरी करने भी बाहर जाती है, मगर ये माशरा अकेली औरत को कहाँ जीने देता है, जिसका जीता जाता सबूत मोटरवे का हादसा है और उसे सुनकर रूह भी कांप गई है। इस माशरे में बहुत दरिंदे घूम रहे हैं तो औरत कैसे खुद को महफूज समझती है। अब रोज़ रोज़ जब ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए मीरब घर से बाहर निकलती है तो कुछ लड़के उस पर नज़र रखते हैं और बुरी नीयत भी। वो शख्स मीरब का पीछा करते उसके घर तक भी आए। इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे मीरब अपने बच्चों के स्कूल में ही जॉब करती है और उसी दौरान स्कूल के कुछ बच्चों ने दानिया के बाप पर तंज किया, उसे लूज़र कहा और मजाक का निशाना बनाया। दानिया से ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उस लड़की को सबके सामने खूब मारती है, मेरे बाबा ज़ोंबी नहीं हैं, वो एक दिन वापस आएंगे, आएंगे वापस वो। ये सुनकर मीरब की आंखें भर जाती हैं। अब मीरब के लिए ये दुख छोटा नहीं है और इसी दुख में वो अपना गम छुपाए अपने बच्चों को भी संभाल रही है, मगर मीरब की सास तो अपने बेटे के मौत का जिम्मेदार मीरब को ही समझती है। तुम हसीब से और रसीब की यादों से पीछा छुड़ाना चाहती हो, आज़ाद होना चाहती हो तुम, मगर वहाँ साथ खुद को आज़ाद नहीं समझता। मैं नहीं चाहता कि इन लोगों को हसीब की कमी महसूस हो, इसलिए मुझसे जो हो सकता है मैं लोगों के लिए करना चाहता हूँ, और वो अपनी बीवी से कहता है और साथ खुद से किया हुआ ये वादा बहुत ही अच्छे तरीके से निभाता है। मीरब के भाई ने उसका साथ छोड़ दिया, मगर साथ उसका साथ नहीं छोड़ेगा, उसकी हर मुश्किल वक्त में उसका काम आएगा। मगर इस दौरान मीरब की सास मर जाती है और फिर इस सब के बाद मीरब और भी तनहा महसूस करती है। व्यूअर्स, हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में आप ये सीन देख पाएँ। व्यूअर्स, नेक्स्ट आप ये भी देखेंगे कि हालात जब बेकाबू हो जाएंगे तो साथ निकाह कर लेगा मीरब से। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।